भूख लगी थी बेतहाशा। हॉस्टल में चेक इन किया, सामान रखा अपना। हॉस्टल वालों ने एक स्ट्रीट मुझे रिकमेंड किया है, लेक्वी स्ट्रीट हनोई में, मेरे हॉस्टल से 1.3-4 किलोमीटर्स दूर है। तो मैं अब वहीं जा रहा हूँ खाने की तलाश में। देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ है खाने के लिए और क्या प्राइसेस हैं और क्या एनवायरनमेंट है वहाँ पे, क्या एम्बियंस है, आपके साथ भी शेयर करेंगे। Excuse me. What is the name of this building? It's Oak Tree. What is the name? My name is This building. Name. Name of this building. My name Poi. So what is the name of this building? लीक्यू स्ट्रीट पे जा रहा था तो रास्ते में ये बिल्डिंग आई है पुरानी, बहुत लग रही है पुरानी, और ये मुझे कोई चर्च लग रहा है। मैंने नाम पूछने की कोशिश की है लेकिन मुझे नाम नहीं पता चल पाएगा। कुछ यहाँ पे हलाल मिल नहीं रहा था तो मैंने फिर एक मिक्स वेजिटेबल्स सैंडविच खा लिया, बहुत मज़ेदार था यार। वेजिटेबल्स तो हलाल ही होती हैं, वेजिटेबल्स हराम नहीं सकती। तो अब मुझे भूख मेरी उतरी नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई स्मूदी पी लूँ या कोई जूस पी लूँ या कोई मिल्क शेक पी लूँ, वो सर्च कर रहा हूँ। ये जी आंटी मेरे लिए बनाने लगी हैं एवोकाडो की स्मूदी। आंटी ने कट किया एवोकाडो और ये छोटू सा जाएगा अंदर। 40,000 डोंग की है जी ये स्मूदी, पाकिस्तान में 260 रुपए की। अंदर वाली भूख है आंटी, अंदर वाली एवोकाडो की भूख है। ये थैंक यू। इस वक्त सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं तैयार होकर निकल पड़ा हूँ अपने हॉस्टल से। मैं जाने लगा हूँ गाइस ओल्ड क्वार्टर। ये एक पुरानी मार्केट है हनोई वियतनाम में, काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस हैं इस जगह की, तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या जगह हैं और क्या क्या अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे। सुबह सुबह का वक्त है और इस वक्त फुल ट्रैफिक है हनोई में, हर कोई अपने काम पे जा रहा है, जैसे कि हमारे मुल्क में होता है सुबह सुबह वही हाल है। वियतनाम का कैपिटल है हनोई तो अच्छा डेवलप हुआ है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल रात को मैं यहाँ, शाम को यहाँ आया था, रात को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो मैंने रेस्ट किया, लेकिन यार बहुत पसंद आ रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या क्या जगह है यहाँ पे, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। चलें जी, इशारा ग्रीन हो गया पैदल चलने वालों के लिए तो चल पड़ा हूँ मैं। वैसे ओल्ड क्वार्टर जो है यहाँ से मेरे हॉस्टल से कोई 2 किलोमीटर की दूरी पे है और
मैंने इंफॉर्मेशन ली है अपने हॉस्टल से कि क्या मैं बाइक रेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी कर सकते हैं, आप बाइक रेंट भी कर सकते हैं और बाइसिकल भी रेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप बाइसिकल अगर रेंट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो अट्रैक्शन हैं वो करीब करीब हैं, तो आपको बड़ी आसानी होगी बाइसिकल के ऊपर, और पार्किंग वगैरह का भी कोई इशू नहीं होगा, ना ही लाइसेंस का ना ही चालान वगैरह का। तो देखते हैं अभी कोई शॉप आती है बाइसाइकिल रेंटल सर्विसेज की या फिर बाइक की, तो करते हैं बाइक रेंट, घूमते हैं ना। आज थोड़ी सी सर्दी है यहाँ पे, आज ज़्यादा सर्दी नहीं है। मुझे लगा था कि काफ़ी ठंड होगी यहाँ पे, लेकिन ठंड कोई नहीं है, नॉर्मल है वेदर, गर्मी नहीं है, बस सबसे बेस्ट थिंग ये है। यार मेरी वेस्ट जो है वो लूज़ हो गई है 2-3 इंच, मुझे बेल्टें नीचे गिरने लग गई हैं, तो मैं बेल्ट लेने लगा रहा हूँ। नायलॉन की बेल्ट थी और भाई साहब 600 रुपये मांग रहे थे उसके, और थी भी फॉर्मल, मुझे फॉर्मल बेल्ट तो नहीं चाहिए। अब वियतनाम में भी आके नायलॉन पहनना है तो फिर क्या ही बात है, कम से कम यहाँ से तो भी अच्छी बेल्ट ले लें यार। वियतनाम के तो फैब्रिक वगैरह और ये चीज़ें कपड़े काफ़ी मशहूर हैं, हो सकता है बेल्ट भी अच्छी बनती हो यहाँ पर, सर्च करने पे है, जा रहा हूँ देखता हूँ अगर कोई मिलती है। मेरे पीछे वहाँ पे सामने आपको शायद नज़र आ रहा हो, मैं अभी जूम कर दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे टर्टल टावर है मेरे पीछे, इस नदी पे मैं खड़ा हूँ, और उधर सामने जो है वो रेड गेट है। मैं यहाँ पे रुका था यहाँ देख के, ये बनाना और ये चाय, तो मैंने पूछा कि आप बनाना कितने के दे रही हैं, तो इन्होंने मुझे ये बनाना गिफ्ट किया है एज अ सुवेनियर। थैंक यू। मुझे ना एक बाइसिकल रेंट करनी है हनोई सिटी घूमने के लिए, तो मुझे स्ट्रीट का बताया है किसी लोकल ने, आपको यहाँ से बाइसिकल मिल जाएगी, तो स्ट्रीट में पहुँच गया हूँ, अब मैं पता करता हूँ बाइसिकल का, मिलती है तो बताता हूँ आपको। ले जी बाइसिकल मिल गई रेंट के ऊपर, 60,000 डॉन्ग पर नाइट इसका रेंट है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 350 रुपये बनते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इकोनॉमिकल और कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने बाइक ली है, ये बाइक है जी, ये देख लीजिए, तो आज फिर हनोई बाइसाइकिल के ऊपर। वो बाइक की डील कैंसिल हो गई क्योंकि जो बाइक वाली आंटी थी वो मेरा पासपोर्ट एज सिक्योरिटी अपने पास रखना चाह रही थी, तो एक बाइसाइकिल के पीछे मैं अपना पासपोर्ट नहीं दे सकता किसी को। पासपोर्ट आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, पासपोर्ट अगर उनसे गुम हो जाए, फट जाए, आग लग जाए, तो ना आप आगे जाने के ना आप पीछे जाने के। तो भाई मैं पैदल चल लूँगा या मैं ग्रैब कर लूँगा, टैक्सी कर लूँगा, पासपोर्ट नहीं दूँगा, नहीं चाहिए मुझे बाइक। भैया आप अपने पास रखें बाइक वो भी बाइक भी नहीं, बाइसाइकिल, बाइसाइकिल के पीछे मैं अपना पासपोर्ट किसी को नहीं देने वाला,